राजस्थान के अटरूज सर्किल के कवाई थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 309.150 ग्राम अफीम डोडा चूरा से भरी एक स्कॉर्पियो कार एवं देशी पिस्टल मय 5 जिंदा कारतूस के जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में सुनील बिश्नोई निवासी डोली जिला बाड़मेर, कमलेश निवासी डोकरी खो थाना सारतल एवं लोकेश निवासी दीगौद जागीर थाना हरनावदा बताए गए हैं। बता दें आपको, जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैनेन्द्र जैन एवं सोजी लाल मीणा के सुपरविजन में नाकाबंदी कर कवाई कब्रिस्तान के पास स्कॉर्पियो को रोका तो उन्होंने गाड़ी को फिल्मी स्टाइल में घुमाकर भागने की कोशिश की, जिस पर थानाधिकारी मानसिंह मीणा, उप निरीक्षक शंभू दयाल मीणा, हेड कांस्टेबल विजय कुमार, कांस्टेबल विक्रम सिंह, महेंद्र ब्रजेश ने अपने टैलेंट से तीनों आरोपियों को धर दबोचा, जिनके पास 16 प्लास्टिक के बैग में भरा अफीम डोडा चूरा, एक देसी पिस्टल में मैगजीन लोड, 5 जिंदा कारतूस मिले एवं एनडीपीएस एक्ट की धारा में कार्यवाही की गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।